फायर मिनी म्यूजिवल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता, जहाँ ये दोनों आते हैं भाई चेन के घर के बाहर, यानी चेन का नहीं भाई उसका जो फेक नेम जो जाउस चेन नाम का जो नेम बना के रखा है उसे घर के बाहर और आवाज़ लगाते हैं, लेकिन भाई अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फैमिली के जो लीडर है ना वो कहते हैं शायद भाई उसको हमारी आवाज़ यहाँ पर सुनाई नहीं दी होगी, तो एक काम करते भाई अंदर जाते हैं, जो सुनते ये कहता ना ना बिल्कुल भी नहीं, उनको भाई पक्का सुनाई देगा भाई। ऑफकोर्स हमने इतना जोर से सुना तो उनको पक्का सुनाई दिया ही होगा, अपने इतना जोर से जो चिल्लाया है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी इसका मतलब ये कि सामने से हमसे यहाँ पे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो आगे में जब मिलने ही नहीं चाहेंगे तो सामने से हम उनको यहाँ पर डिस्टर्ब करने क्यों जाए, अगर हम जबरदस्ती कूद जाएंगे तो हो जाएंगे डिस्टर्ब, उनको आएगा गुस्सा तो वो बजा देंगे हमारी बैंड, इसलिए बिल्कुल भी नहीं, हम जो जबरदस्ती से नहीं जा सकते हैं। सामने से यहाँ पे मन ही मन खुश है यस भाई, लेकिन सामने से घर के पास आने तक का भाई और ऐसे इनडायरेक्टली बात करने का मौका मिला जिस बात की खुशी है, आज नहीं तो कर भाई डायरेक्टली मुंह पे भी बातचीत हो जाएगा। तो आवाज़ लगा तो कहता सुनिए जी सामने से अभी के लिए भाई सॉरी भाई आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करने आ गया, आप पक्का भी बिजी होंगे, कोई बात नहीं आपकी मर्जी, जब मन करेगा मैं आपसे यहाँ पे आकर मिलूंगा, तो आज अगर किसी मतलब मेरे तरीके से अगर आपको यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुके रहेंगे तो इसके लिए मैं आपसे यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये लाइन सुन के सामने से यहाँ पे भाई एकदम बंदा हिल जाता है भाई, लीडर कह रहे बाप रे भाई इतना रिस्पेक्ट के साथ, तो भाई जो हमारे किंग है ना भाई मोटर्स के किंग भाई उनको हम बातचीत करते, लेकिन सामने से भाई शाओ शियान के साथ ऐसे बात कर रहा है, आखिर इस बंदे ने ऐसा किया क्या। उसके बाद सामने से यहाँ पे वो जाने को तैयार था, लेकिन जाने से पहले ये कहता लेकिन एक सेकंड भाई सामने से भाई इतने कमाल के बंदे भाई ऐसे झोपड़े वाले घर में काहे को रहते भाई, मतलब भाई तुम लोग भाई उनके साथ अच्छे से यहाँ पे ट्रीट नहीं कर रहे। वो लीडर की फटी पड़ी कर यार मैं क्या बोलूँ यार, सामने से मैं आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। वो कहता भाई तुम्हें नहीं मालूम जाओ शियान कितने कमाल के आदमी भाई, इनकी जान पहचान भाई हमारी इमोर्टल किंग भाई है ना उनके साथ भाई पर्सनल इनकी जान पहचान है, सामने से कमाल कुल के मेहमान है और तुम उनके मेहमान के साथ ऐसे यहाँ पे ट्रीट करोगे, मैं ये गलत बात है भाई, ये पूरा दोगलापन है, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, जल्दी से इनको अच्छे घर बारे में रखो, अच्छे से यहाँ पे ट्रीट करो, वरना भाई हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और आज मैं यहाँ पे इनसे मिलने आया था ना ये बात यहाँ पे किसी को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए, और सामने से किसी ने मुझे देख लिया कोई तुमसे पूछेगा कि अभी वो यहाँ पे क्या करने आए थे तो बता देना भाई, तुम्हारे फैमिली को लड़का था ना इसने भाई अपने वो फ्लेम बॉडी एक्टिवेट करने वाला था, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, हाँ बोलना कि अभी मैं उससे यहाँ पे मिलने आया था बस। सामने सो भी बोलता ओके ठीक है, इतना बोलते हुए बंदा यहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। ये यहाँ पे हिला पड़ा कह रहे बाप रे शाओ शियान इसकी जान पहचान इमोर्टल एम्पायर के साथ भी है भाई, ऐसा कैसे भाई आखिर उनके साथ जान पहचान कैसी हो गई। तभी उसको याद आता या 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 मुझे याद आया भाई जाओ शियान की जो मैं ना उसका नाम यहाँ पे मतलब उसका सरनेम यहाँ पे यूँ था, तो हो सकता है यू सर नेम का ना कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है इमोर्टल एम्पायर के साथ। उसके बाद सीन चौथा भाई हमारी उस दुनिया में जहाँ पे चेन बेसिकली अपने रियल रूप में रहता है अपनी मुँह बोली बहन और जबरदस्ती बनी हुई बीबी के साथ है, रियलिटी में शायद बीबी होगी मतलब रियलिटी वाले लाइफ में, लेकिन अभी तो जबरदस्ती बनी है ना, आता अपने घर के अंदर आवाज़ यहाँ पे लगाता है और कहता है कि हाय देखो भाई जल्दी से मतलब आज मैं फटाक से घर पे आ गया। जैसे घर के अंदर आता है सामने से जो डुआन थी वही मतलब मेन हीरोइन वो किसी लड़के साथ यहाँ पे बातचीत कर रही थी, सामने से डुआन भी देखते कहते यार आ गए यार आज तो वाकई में आप जल्दी आ गए। सामने से जो लड़का था ना वो भी इसको देखता है और देखते कहते कि हाय सीनियर चेन, और जैसे सीनियर बोलता है ना डुआन कहते ए सीनियर नहीं तो भी कहते सॉरी सॉरी मिस्टर चेन कैसे भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। जो यहाँ पे शूरिन के पापा है ना इमोर्टल एम्पायर क्या ना अपनी बेटी से मिलने के लिए यहाँ पे आए थे और मैं उन्हें क्या दोस्त हूँ, हाँ उनका दोस्त हूँ, तो सामने से मैं भी यहाँ पे भाई उनके साथ ना आ गया आपके साथ मिलने के लिए, तो भाई आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाँ सॉरी बिना बुलाए आ गया डायरेक्टली भाई, तो थोड़ा भाई आपसे आपको नाराजगी हो गई तो उसके लिए सॉरी। सामने जो भी ऐसा अजीब समूह बना के ना सब घूर घूर के देखा जा रहा है, यहाँ पे वो लड़का कहते देखो यार ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच में और डुआन के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम बस नॉर्मल यहाँ पे बातचीत करते और इन्होंने भाई मेरा खातिरदारी काफ़ी अच्छे से किया। जो सुनते सामने से ये भी सोचता खातिरदारी तेरा क्या बोलना चाहता है, तो अंदर से भाई इमोटर पर बाहर आता है कमरे से बाहर आता है और हमेशा की तरह मुँह लटका हुआ है, मालूम है शूलिन उसकी बेटी कुछ खास पसंद नहीं करती और हमेशा जैसे मिलने आता है बेटी लात मार के भगा देती है, तो इस बार भी पक्का भाई उसने भगा ही दिया होगा। तो चेन से देखते मतलब चेन को देखते हुए कहता हाय मिस्टर चेन कैसे हो यार, क्या बोलूँ भाई हमेशा की तरह भाई सेम बेटी नाराज है, तो अगली बार भाई एक आध साल बाद ही मिलने आऊँगा, जब तक भाई मेरी बेटी का भाई ख्याल रखेगा। जो सुन दे कहते आपकी बेटी और मेरी अब बहन यहाँ पे बन चुकी है तो टेंशन यहाँ पे बिल्कुल मत लीजिए, मनी मन सोचते भैया मैं टेंशन लेके कर भी क्या लूंगा। उसी वजह इमोर्टल एम्पायर वो और साथ ही उसका दोस्त वहां से उड़ते हुए निकल जाते हैं वापस अपनी मोटर की दुनिया में जाने के लिए। सामने से फिर गुस्से में ना चेन ने डुआन से कह दिखा भाई वो लौंडे के साथ तो काफी क्लोज जाके भाई बातचीत करी थी, सामने से कह दिया बस नॉर्मली ऐसी बातचीत कर दी मेहमान थे तो मेहमान के साथ बातचीत ना करे तो और क्या करे। अच्छा भाई आपको यहाँ पे जलन हो रही है ना, जो सुनते चेन ही लेता कहते क्या 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 जलन जलन हमको हमको भले यहाँ पे जलन का होगा, तो पास में आती है उसके छाती पे हाथ रखते हो कहते आए हाय आए हाय आपका जलन नहीं हो रही, नहीं नहीं आपको यहाँ पे जलन हो रही है। सामने से चेन का थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, मालूम है स्टार्टिंग से जब से इसको दिखाया जा रहा है वो हमेशा चेन को परेशान करती है, चेन बेचारा परेशान होता है लेकिन भाई अपना भोला भाला प्यारा सा आदमी है तो सामने से पलट के कभी जवाब दे नहीं पाता, तो आज इसने यहाँ पे ठान
लिया कि हाँ भाई अब इसको मैं परेशान करने नहीं दूंगा, तो उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता, उससे कहता ऑफकोर्स हाँ जलता हूँ तो यहाँ पे तू क्या करेगी, अरे देख हमारी यहाँ पे सगाई हो चुकी है, मैं तेरा फियांसे यहाँ पर हूँ, आगे चल के हमारी शादी होने वाली है, तो तुझसे बस ये कहना चाहता हूँ आगे चल के तो किसी भी आदमी के साथ ऐसे यहाँ पे बातचीत नहीं करेगी, वरना जैसे इतना बोलते ना वरना सामने से आप आती है डुआन, इसका मुँह पकड़ती है और उसको आप किस कर लेती है, और किस करने की बात करती है वरना आप क्या करोगे, मुझे सजा दोगे, तो मैं भी सजा पाने को तैयार हूँ, सामने से एकदम हिला पड़ के अरे 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 यार मैं चाहता था कि भाई परेशान मुझे ना करे, लेकिन इसे तो भाई मुझे परेशान इंटू 100 कर दिया, और जोर से यहाँ पे चिल्लाता कहता शाबाश डुआन भाई तूने तो भाई मेरा और भी दिमाग खराब कर दिया लगता भाई, और इंग्लिश में यहाँ पे बोलता मतलब पूरा तो इंग्लिश में, तो सामने से जो डायलॉग यहाँ पे बोलता है ना उसका था भाई आई विल स्पैंक योर ऐश, मतलब भाई इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि भाई तुझे लेटा कर तेरे पिछवाड़े पर ठप 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 मारूंगा एज अ पनिशमेंट, मजे के लिए नहीं। पीछे से यहाँ पे भाई शोलिन भी सुन लेती है, वो भी सुनते कहती भैया भाई कैसी अश्लील अश्लील बातें कर रहे हो, यहाँ पे हिल जाता कह रहे यार क्या करूँ, सामने से ये परेशान करिए पीछे से शोलिन ने सुन लिया, इज्जत का अलग से फालू दौरा, तो कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मतलब मैं जा रहा हूँ भाई कुछ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, बाय बाय, इतना बोल के निकल जाता है। चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।